हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। आज आपको एंटरप्रेन्योरशिप में नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर, नवनिर्माण एवं उद्यमी। पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग न्यू और डूइंग ओल्ड थिंग्स थ्रू न्यू टेक्निक्स। नवनिर्माण का अर्थ यह हुआ कि पहले किसी भी चीज़ के नई चीज़ों को बनाने के लिए प्रेरित होना और पहले से जो प्रचलित या पहले से जो वस्तु है उसमें कुछ नए तरीके से कुछ नयापन ला करके उसमें बदलाव लाना और कुछ उसमें नया करना। इस नवनिर्माण के अंतर्गत नए उत्पादन की जाती है और बाज़ार का सृजन किया जाता है और उत्पादन की विधि में भी कई प्रयोग किए जाते हैं, सामग्रियों और खोज की जाती है और उससे नए नए और अच्छे और बेहतर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशंस। नव निर्माण की विशेषता इस प्रकार है, एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज, नव विचारों का प्रयोग करना, नए नए विचार आते हैं उसको अप्लाई करना और उसको प्रयोग में लाना कि कैसे अपने विचारों से उसको कैसे उसको अपने विचार को कार्य में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विथ चेंजेस, जो भी बदलाव आता है उससे खुशी महसूस होते हैं, लोगों को भी महसूस होता है और जो उद्यमी होता है उसे भी परिवर्तन से खुशी मिलती है। नेक्स्ट, फेसिंग अनसर्टेनिटीज इन ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज इनटू प्रैक्टिसेस, अनिश्चितताओं का सामना करना और जब हम लोग कोई नए विचार को लाते हैं और उसे प्रयोग करते हैं, उसे कार्य में परिवर्तन करते हैं नए विचारों को, तो अनिश्चितता का सामना हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग नॉन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, अपरंपरागत व्यवहार का मूल्यांकन करना। जो परंपरागत वस्तु होती है उसे तो लोग जानते हैं कैसे करना नहीं करना है, पर जो अपरंपरागत वस्तुएं हैं उसे कैसे उसका मूल्यांकन करें और उसे कैसे लाया जाए बाज़ार में उसे हम लोग मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है नॉट टू अवॉइड एनी टास्क एंड नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय मिस्टेक व्हाइल डूइंग न्यू एक्सपेरिमेंट। जब हम लोग कोई नए काम करते हैं तो हम लोग को ध्यान उसमें केंद्रित करते रहना करना पड़ता है ताकि नए कार्य को करते समय कोई गलती ना हो और सुधार का प्रयास करना होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ न्यू यूजेज ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज। जब नए वस्तुओं का नए टेक्निक्स अगर हम लोग को जब उत्पादन करना होता है तो हम लोग उसमें नए टेक्निक का प्रयोग करते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं और नए सेवाओं का उसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फाइंडिंग प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू सॉल्व देम, जो भी कठिनाई आती है उसे ध्यान में रख करके उसे सुधार करने का प्रयास किया जाता है कि समस्याओं को ढूंढना और उसे उसकी समस्याओं का हल ढूंढना। वर्किंग ऑन द दोज प्रॉब्लम वाइल विच आर कॉजिंग डिफिकल्टीज टू अदर, वैसी समस्याओं को ढूंढना और उसका समाधान निकालना जो जिससे लोगों को तकलीफ या
जिससे लोगों को समस्या उत्पन्न होती है, ऐसी समस्याओं को ढूंढना और उसे कठिनाई को दूर करना जो दूसरों को देती हो, उसका विकल्प निकालना। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन ओन बेसिक मेथड। किसी भी वस्तु और सेवाओं को अपने तरीके से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट ऑलवेज ईगर टू डिस्ट्रीब्यूट अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट। ऐसे चीज़ों को ढूंढ कर निकालना का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए जो पहले से प्रचलन में ना हो या जो पहले से लोगों के टेस्ट में ना हो, वैसे चीज़ों का प्रयास करना और हमेशा उसके लिए तत्पर रहना कि उसको आविष्कार करने का। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अ न्यू आइडियाज़। अपना महत्वपूर्ण योगदान देना किसी भी नए विचार के प्रति, यही उद्यमी का काम है कि वो अपने नए नए विचार को योगदान देता है और उसे ने अपने नए आइडिया से कुछ परिवर्तन करके लोगों के सामने वस्तु प्रस्तुत करता है। प्रेजेंटेशन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ प्रपोज्ड आइडिया। अपने प्रस्तावित विचारों का मूल्यांकन करना और उससे कुछ नए विचार और दिशा की ओर पहल करना ही उद्यमी का कार्य है। यही उनका नवनिर्माण और उनका विचार कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।